नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपका एक्सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को WhatsApp की चार ऐसी जबरदस्त हिडन ट्रिक बताएंगे जिसे आप सभी को WhatsApp के अंदर में जानना चाहिए। और इनमें से जो तीसरे नंबर की ट्रिक है वह बहुत ही पावरफुल है, जिसे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस ट्रिक को जरूर देख कर जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को WhatsApp की 2023 की चार मस्त मस्त ट्रिक के बारे में बताएंगे जिसे हर किसी को अपने WhatsApp के अंदर में यूज करना चाहिए। इनमें से कौन सी ट्रिक क्या काम करती है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप भी WhatsApp यूज करते हैं और अपने WhatsApp पर इन सब ट्रिक को लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बताते हैं आप लोगों को इन्हीं ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर दबा के ऑल के ऊपर में क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्लीज इतना सा काम आप जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को WhatsApp की यही चार सेटिंग बताएंगे जो चारों सेटिंग बहुत मस्त है, लेकिन इसमें तीसरे नंबर वाली सेटिंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो तीसरे नंबर की सेटिंग आप जरूर देख कर जाइएगा। पहला सेटिंग क्या है, पहला ट्रिक क्या है, आइए पहले समझिए। जैसे कि आप मान लीजिए आप अपने WhatsApp पे जाते हो और किसी भी फ्रेंड को मान लो कि आपको एक फोटो सेंड करना है और वह फोटो आपका गूगल में है और आपको वह फोटो गूगल से लेना है। ठीक है, मैं क्रोम से लेता हूं, मैं क्रोम के गूगल में यहां पर आ जाता हूं और यहां पर आने के बाद में मैंने यहां पर आपको दिखाने के लिए मोदी जी का एक फोटो सर्च कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई फोटो भेजना है और हम चाहते हैं कि इस फोटो को हम डाउनलोड भी ना करें और इसे सेंड भी कर दे, तो हम कर सकते हैं। कैसे करना है, जैसे मोदी जी का फोटो है, इस पर हम एक बार क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हैं कि यह मोदी जी का फोटो यहां पर स्क्रीन पर आ गया है। अब हम पहले इसको डाउनलोड करेंगे तो ही हम यह फोटो अपने फ्रेंड को भेजेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस फोटो को हम डाउनलोड ना करें, डायरेक्टली अपने फ्रेंड को फोटो भेज दें, लिंक नहीं फोटो भेज दें। तो कैसे भेजेंगे, देखिए इस फोटो को थोड़ी देर दबा के रखेंगे, उसके बाद में कॉपी इमेज का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर लेंगे, यहां से कट कर देंगे। अब अपने WhatsApp पे चले जाएंगे, WhatsApp पे जाने के बाद में जिस भी फ्रेंड को हमें भेजना है उसके ऊपर में क्लिक करेंगे, मैसेज के ऊपर में एक बार टैप करेंगे। अब जैसे ही मैसेज के ऊपर में टैप करेंगे तो देखेंगे कि यहां पर मोदी जी की एक फोटो आ जाती है और पेस्ट करने के लिए कहता है, सिर्फ हम यहां पर पेस्ट करेंगे। देख सकते हैं कि मोदी जी की फोटो ऑटोमेटिक यहां पर आ गई है। अब यहां से हम इसको सेंड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें फोटो को डाउनलोड भी नहीं करना पड़ा और हम फोटो सेंड कर दिए। अगर आप गूगल पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको फोटो को डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद ही सेंड करना पड़ता है, लेकिन आप किसी भी इमेज को कॉपी कर अगर WhatsApp पे आकर इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं तो आपको उस फोटो को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप WhatsApp की पहले ट्रिक से यह काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये दोस्तों अब मैं आप लोगों को WhatsApp की दूसरी सेटिंग बता रहा हूं जो बहुत ही जबरदस्त है। दूसरी सेटिंग क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी कोई सिस्टर है, आपका कोई ब्रदर है और आप चाहते हो कि यह पता करना कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है सबसे ज्यादा किससे चैटिंग करती है, किससे WhatsApp पर वह चैटिंग करती है, फोटो वीडियो वगैरह जो भी भेजती है सबसे ज्यादा किसको भेजती है, आप उसके फोन में यदि पता करना चाहते हो या आप अपने फोन में ही यह देखना चाहते हो कि हम WhatsApp पर सबसे ज्यादा किससे चैटिंग किए हैं, तो उसके लिए आप कैसे देखोगे। उसके लिए दोस्तों आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको यहां पर स्टोरेज एंड डेटा का ऑप्शन है, इसके ऊपर में क्लिक करोगे, मैनेज स्टोर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर में आप क्लिक करोगे तो देखोगे कि सबसे ऊपर जिसका भी आपको प्रोफाइल दिखेगा वह से सबसे ज्यादा आपने उससे चैटिंग किया है या फोटो वगैरह भेजा है, उसमें आपको देख सकते हैं कितना MB खत्म हुए हैं, सेकंड पर कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर पे कौन है। इस तरीके से आप गर्लफ्रेंड के फोन में या अपने भी फोन में इस तरीके से देख सकते हो।
अब बात करते हैं तीसरी सेटिंग की, जो तीसरी सेटिंग सबसे ज्यादा मस्त और पावरफुल है। तीसरी सेटिंग क्या है, आइए ध्यान से समझिए। अगर मान लो आपसे कोई लड़की कहती है कि अपना एक फोटो को सेंड करो, या आपसे कोई आपकी फोटो मांगता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हमें से कोई ऐसी प्राइवेट फोटो मांगी जाती है और आप चाहते हो कि हम जिसको फोटो दे वह व्यक्ति उस फोटो को अपने गैलरी में सेव ना करे, सिर्फ वह जैसे ही उस फोटो को व्हाट्सएप पर देखे उसके बाद उसका फोटो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। इस तरीके से यदि आप किसी को फोटो भेजना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। जैसे कि आप मान लो एक लड़की हो और आपसे कोई लड़का आपकी फोटो मांगता है और आप चाहते हो कि हम उसको सिर्फ फोटो भेजे, वह गैलरी में सेव ना करे, जैसे ही देखे उसकी फोटो डिलीट हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना। उसके लिए दोस्तों आपको उस फ्रेंड पर चले जाना है जिस फ्रेंड को आप भेजना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं इस फ्रेंड पर आ जाता हूं, ठीक है। यहां पर फोटो भेजने का जो आइकन है इसके ऊपर में क्लिक कर देते हैं। यहां पर गैलरी से हम एक फोटो को उठाते हैं तो देख सकते हैं कि हमने यहां पर इस फोटो को ले लिया, ठीक है। इस फोटो को हम भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब हमारा फ्रेंड यह फोटो को देखे तो उसके फोन से डिलीट हो जाए। तो यहां पर सेंड बटन का ऑप्शन है और सेंड के ऊपर में देखिए एक लिखा हुआ है, देखिए छोटा सा, इसके ऊपर में टैप कर देना है। जब इसके ऊपर में टैप कर देंगे तो यहां पर ओके का ऑप्शन खुलेगा, ओके पर क्लिक कर देना है, सेंड कर देना है। जब इस फोटो को हम सेंड करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि फोटो के जगह पर सिर्फ फोटो लिखा हुआ चला जाएगा। अब मैं दूसरा वाला फोन लाता हूं तो देख सकते हैं कि मैं दूसरा वाला फोन ले चुका हूं। यहां पर देख सकते हैं कि यह फोटो आ गया है, आप यहां पर देख सकते हैं कि फोटो लिखा हुआ आया है और हम इस फोटो पे करते हैं क्लिक, यहां पे करते हैं ओके, तो देख सकते हैं कि यह फोटो दिखाई तो दिया। अब जैसे ही वह फ्रेंड यहां से जब बैक होगा यह फोटो डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा फ्रेंड बैक किया यह फोटो डिलीट हो गया। अब यहां पर कितना भी टिप करता रह जाएगा यह फोटो उसके फोन से चला जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ वन टाइम के लिए फोटो उसके पास गया था। तो यह आप उस समय इस ट्रिक को यूज कर सकते हो जब आपसे कोई, मान लीजिए कि कोई फोटो मांगता है और आप चाहते हो कि वह आपकी फोटो को सेव ना करे, तो आप यह काम कर सकते हो। अब रह गई बात चौथी ट्रिक, जो चौथी ट्रिक भी बहुत ही कमाल की है। अगर मान लो कि आपको किसी को व्हाट्सएप करना है और आप उसका नंबर को सेव नहीं करना चाहते हो और आप उसको व्हाट्सएप पर कोई चीज भेजना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब तक हम किसी के नंबर को व्हाट्सएप के अंदर में सेव नहीं करते हैं तब तक हम उसे कोई भी चीज भेज नहीं सकते हैं, तो आप अपने व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हो बिना नंबर को सेव किए। आपको करना क्या है, अपने फोन की थ्री डॉट पर जाना है, सेटिंग पर जाना है, ठीक है। यहां पे बारकोड का ऑप्शन आएगा, इस बारकोड पर क्लिक करेंगे। सेम यही काम अब आपको दूसरे का फोन ले लेना है, उसके फोन में भी थ्री डॉट पे जाना है, सेटिंग पे जाना है और बारकोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में अपने फोन में स्कैन मोड को ऑन कर देना है। स्कैन मोड ऑन होते ही यह जो बारकोड है इसको स्कैन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने बारकोड स्कैन किया उसकी चैटिंग हमारे फोन में आ गई। अब हमको जो भी मैसेज को भेजना है यहां से हम उसको मैसेज को भेज सकते हैं, उसके नंबर को हमें सेव करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि किसी का नंबर सेव ना करे तो बारकोड द्वारा उसे हम मैसेज को भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को व्हाट्सएप के ही चार ट्रिक बता रहे थे। इसमें कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।